नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस, यानी कि वो चैनल जो सीधे आपको उन लोगों से रूबरू कराता है जिनका ताल्लुक उत्तराखंड के सरोकारों से है, उत्तराखंड के हितों से है, उत्तराखंड के विजन से है। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर वीसी चौहान साहब, जो उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका अपना एक विज़न है कि उत्तराखंड को लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां अभी तक उत्तराखंड में सेवा का दावा करती रही हैं उनके नेताओं के पास ना कोई विज़न है, ना कोई योजना है और ना ही उन्होंने उत्तराखंड जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद को हासिल किया है, ना हासिल करने की कोशिश की है। चौहान साहब का सीधा मानना है कि उत्तराखंड पूरे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने वाले राज्यों में से एक है, तो ऐसे में उत्तराखंड की भोली भाली जनता को बहकाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए धोखाधड़ी के समान है, लिहाजा जनता को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। इसी मकसद से, क्योंकि खुद डॉक्टर चौहान शिक्षाविद हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इसी मकसद से आपने पार्टी का गठन किया है और ऐलान किया है कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों से आप उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। जनता कितना सहयोग देती है, कितना आशीर्वाद देती है, वो बात अलग है, लेकिन डॉक्टर चौहान अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखना चाहते। इसीलिए क्या मकसद है, क्या सोच है और क्या करने जा रहे हैं, इसीलिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर चौहान साहब को। तो चौहान साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि उत्तराखंड चुनाव के मुहाने पर है, 2022 का चुनाव एकदम तैयार है, ऐसे में आपकी नई नवेली पार्टी उत्तराखंड जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में कूदने को तैयार है। आपका सामना अब एक ऐसे नौजवान मुख्यमंत्री से होने जा रहा है, पुष्कर सिंह धामी, जो युवा हैं, युवाओं के दर्द को समझते हैं, जिन्हें विजन वाला मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता है। तो कैसे करेंगे युवाओं का मुकाबला आप, और क्या सोच है, किस सोच को लेकर आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं? सबसे पहले सलीम भाई, मैं आपके दर्शकों को, आपके न्यूज़ वायरस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले जो आपने वर्तमान युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है उत्तराखंड के अंदर जिससे युवा ही नहीं हर वर्ग परेशान है। उत्तराखंड में आज त्राही मांग की स्थिति है। हमें उत्तराखंड जनता पार्टी जो हमने बनाई है, उत्तराखंड जनता पार्टी हर उत्तराखंडी की पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जिसके पास विजन है, एक ऐसी पार्टी है जो अपने उत्तराखंड को एक विकसित उत्तराखंड बना करके दिखाएगी। हम झूठ की राजनीति करने वाले या झूठे लालच देकर के चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल नहीं है। अगर हम अपने उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट उत्तराखंड जनता पार्टी ने तैयार किया है। डॉक्टर साहब, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है या लोगों को छल रही है? देखिए, वर्तमान में कोरोना काल में किस तरह से जो उत्तराखंड के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति कितनी बदहाल हो गई है, ये क्या है, ये इनकी नाकामी का सबूत ही तो है। किस तरह से इसकी चिकित्सा व्यवस्था की कोरोना काल में पोल खुली है, ये क्या है, ये सरकार की नाकामी का ही तो सब कुछ है। तो मैं आपको बता दूं, ये सरकार ये जनता के हितों के लिए नहीं बनी है, ये सरकार बनी है आपको छलने के लिए, आपको लूटने के लिए। मेरा प्रत्येक उत्तराखंडी आज जिस त्राहिमाम स्थिति में है, इस सरकार से लाखों उम्मीदें थी लेकिन इसने कुछ नहीं किया। ये डबल इंजन की सरकार, इसके दोनों इंजन फेल है। जिस वादे को लेकर के इस सरकार ने उत्तराखंड में सरकार बनाई थी, तो आज वही वादों पे ये सारे के सारे विफल हुई है। आप इसका 2017 का विजन डॉक्यूमेंट उठा के देखिए, अगर एक भी काम इस सरकार ने सही नीयत से किया हो, जिन व्यक्तियों का मुख्य एजेंडा अपने पार्टी हाईकमान को खुश करना हो, जिस पार्टी का मुख्य एजेंडा लूट खसोट करना हो, आप ऐसे लोगों से विकास की अपेक्षा करेंगे तो बहुत बेईमानी होगी। है, मैं उम्मीद करूंगा, प्रार्थना करूंगा अपनी उत्तराखंड की जनता से, अब भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों का उत्तराखंड से परमानेंट पैकअप करें। डॉक्टर साहब, आप सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर या उसकी सरकार पर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ लेने के तत्काल बाद एक कैबिनेट मीटिंग की और रोजगार के अपार अवसर पैदा किए, घोषणा की है। देखिए, पहले जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय बंसीधर भगत जी, वो कहा करते थे कि उत्तराखंड में तो बेरोजगारी नहीं है, तो किसको रोजगार देना चाह रहे हैं?
और जितने रोजगार ये दे रहे हैं क्या उत्तराखंड के लोगों का भला होगा? आज लाखों लोग सड़कों पर हैं, लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, उनको कौन शिक्षा देगा, कौन उनको अच्छी व्यवस्था देगा? रोजगार के लिए अगर चाहिए, उत्तराखंड के लगभग 25 लाख लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार चाहिए। अगर रोजगार देना है सबको दीजिए, रोजगार देना है तो जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन पहले दिन से दीजिए। ये क्या हो गया कि आपके पास चुनाव के 6 महीने बचे हैं, आज आप रोजगार के लिए घोषणा कर रहे हैं? आप देखिएगा, ये एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि वो 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले हैं। आप बताइए, ये सरकार अगर किसी काम को करेगी तो कैसे करेंगी? क्या घोषणाएं करने से काम होते हैं? कितनी घोषणाएं इन्होंने पहले की है। इन्होंने तो वादा किया था भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, आज कैसा भारत इन्होंने बना दिया है? लोग भूखे मर रहे हैं, कौन है आखिर उनको बचाने वाला? आज उत्तराखंड का नागरिक, उत्तराखंड के मतदाता, हर उत्तराखंडी भाई बहन एक आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, कोई तो ऐसा व्यक्ति आए राजनीति में जो हमारा कल्याण करे। और मैं आपको बताता हूं, भाजपा कांग्रेस ये कितनी भी घोषणाएं कर ले, अब लोग इनके झूठे वादों में फंसने वाले नहीं है। अच्छा, उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे, एक खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, तो एक पहलवान उत्तराखंड के शिक्षा विभाग को कैसे चला रहा है? 0% सफल है। सफलता कहाँ किसको जाता है? आप बताइए, कितने प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आईएएस अधिकारी हैं? कितने प्राइमरी स्कूल के बच्चे आज किसी फौज में हैं? कितने पुलिस अधिकारी हैं? आप ये प्रतिशत निकालेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। अगर जेई मेन परीक्षा की बात ही करें तो जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का जो सफलता प्रतिशत है वो लगभग 0 के बराबर है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। किस दिशा में ये मेरे प्रदेश को लेके जाना चाहता है? तो मैं तो बहुत बहुत नाराज भी हूँ, अपने प्रदेश की जो बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर के चिंतित भी हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, कोई भी विधायक होता है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, लेकिन विधायक बनते ही नई गाड़ी होती है, बंगला होता है, सारी व्यवस्थाएँ होती हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा आता है। ये सवाल मेरा आपसे भी है कि उत्तराखंड जनता पार्टी फंड कहाँ से जुटाएगी, कहाँ से लाएगी पैसा? देखिए, कोई विधायक गरीब से अमीर बन गया, वो कैसे बन गया, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। आपने जो हमारे से बात की है कि हम कैसे फंड करेंगे, करोड़ों का खर्चा होता है चुनाव में, ये पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैं सलीम भाई आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड जनता पार्टी हर उत्तराखंड की पार्टी है। हम क्या करेंगे, इस अपने अभियान को एक जन आंदोलन के साथ में जोड़ रहे हैं। अगर हम मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष से पैसा लेकर के अगर चुनाव लड़ेंगे तो लोग, दूसरे दल भी हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि भाई ये तो किसी एक्स वाई जेड व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम निष्पक्ष लोग हैं, हम बिना किसी आर्थिक ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, जो हमारी रूपरेखा है, हर व्यक्ति हमें सहयोग कर रहा है, आने जाने के लिए लोगों ने हमें, सारे के सारे लोग हमें सुविधा दे रहे हैं, जहाँ जिस रूप में हमें सुविधा की ज़रूरत है सारे के सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। मुझे लगता है जितने भी पैसे की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उत्तराखंड के जो मतदाता है वो हमें नोट भी देगा, वो हमें वोट भी देगा। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी ऐसे समय में चुनाव लड़ने जा रही है जब यहाँ राजनीतिक दलों की भरमार है। बहुत पुरानी पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, जो आज तक खड़ा नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार सरकार बनाते रहे, अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आ गई है, बहुजन समाज पार्टी ने 70 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो इस भीड़ में अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, कैसे खड़ा कर पाएंगे आप? इसका स्पष्ट कारण ये है, पहले तो जिन दलों की वर्तमान में सरकार है, इन दलों ने केवल और केवल उत्तराखंड को छला है, उत्तराखंड का शोषण किया है, उत्तराखंड को लूटा है। अब उत्तराखंड की जनता इन लोगों पर भरोसा करने वाली नहीं है। रही बात उत्तराखंड जनता पार्टी पर क्यों भरोसा करे, इसलिए भरोसा करेगी कि उत्तराखंड जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी नीयत अच्छी है, उनके पास में नीतियां हैं, हमारे पास में उत्तराखंड के विकास का ब्लूप्रिंट है। अगर उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाएंगे तो आप सवाल कीजिए कैसे बनाएंगे, हम उसका जवाब देंगे। दूसरे राजनीतिक दल हैं, ये केवल कहेंगे कि हम ये काम करेंगे, कैसे करेंगे, अगर आप ये सवाल पूछ ले तो शायद वो कुछ ना बता पाए। उत्तराखंड जनता पार्टी जो कहेगी वो करेगी, ये सच्चे और अच्छे लोगों की पार्टी है। हर उत्तराखंडी भाई बहन इस बात को अच्छे से समझता है, कौन सही है कौन गलत है। आप विश्वास रखिए, जिस तरह से अल्प समय में लाखों लोग उत्तराखंड जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, ये इस बात का सूचक है कि पूरा उत्तराखंड आज उत्तराखंड जनता पार्टी के साथ है।
डॉक्टर साहब, बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो धर्म पर आधारित राजनीति करते हैं, नफरतों की राजनीति करते हैं, लोगों के दिलों में नफरत पैदा करते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं। उनका मकसद किसी भी समाज को एक तरफ ले जाना, ध्रुवीकरण करना है। क्या कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी इन कदमों को आगे बढ़ाएगी? हमारी राजनीति का आधार जो व्यक्ति मेरे उत्तराखंड में पैदा हुआ है, जो व्यक्ति मेरे उत्तराखंड में काम करता है, जो व्यक्ति इस उत्तराखंड को प्यार करता है, उत्तराखंड जनता पार्टी ऐसी ऐसे सभी लोगों का सम्मान करती है। उत्तराखंड जनता पार्टी में कोई धार्मिक, कोई जातिगत, कोई क्षेत्रीय भेदभाव नहीं है। ये सब व्यक्तियों की पार्टी है। हर उत्तराखंडी जिस पे गर्व करे, उत्तराखंड जनता पार्टी ऐसी पार्टी है। हम कभी भी किसी तरह की कोई सांप्रदायिक राजनीति हो या कोई क्षेत्रवाद की राजनीति हो या धर्म विशेष की राजनीति हो, ऐसी राजनीति हम नहीं करेंगे। हम हर व्यक्ति को प्यार करेंगे, हर व्यक्ति का कल्याण करेंगे, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो। उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर आदमी, हर सरकार पिछले 20 साल से बार बार आती है और कहती है हम रोजगार में ये करेंगे, रोजगार में वो करेंगे, लेकिन बेरोजगारी ख़त्म नहीं होती। आपका क्या विज़न है? आप से एक वादा हम कर रहे हैं आज आपके स्टूडियो में। उत्तराखंड जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को रोजगार देगी। अगर आप इस बात को कहें कैसे देगी, क्या रूपरेखा है, पूरा का पूरा लेखा जोखा हमने तैयार किया है। एक बात केवल मैं आपको बता रहा हूं, अगर वर्तमान में मान लीजिए किसी व्यक्ति को रोजगार की जरूरत हो, वो कहां जाए? वो इधर उधर अखबारों में तलाश करता है, नेट पे तलाश करता है, हो सकता है उसको जैसी जॉब की जरूरत हो ऐसे ना मिले। तो कम से कम वर्तमान सरकारें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करे, जिसको जॉब की जरूरत हो वो उस प्लेटफॉर्म पे जाए, जैसी जॉब चाहिए वहां से उसको मिल जाए। सबसे पहले हम पहले दिन पहली सरकार हमारी अपने युवाओं को समर्पित रहेगी। और मैं आपको वादा करता हूं, उत्तराखंड का हर व्यक्ति उत्तराखंड में रोजगार पाएगा, बल्कि पूरा उत्तराखंड एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। कैसे हम रोजगार देंगे, आज हम इसी काम पे लगे हुए हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी विधियां हैं, जिससे मुझे लगता है कि उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अंत में मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड की जनता को आप कोई संदेश दें, उत्तराखंड की जनता से सीधे रूबरू हों। मैं एक सवाल बोलना चाहता हूँ, आज उत्तराखंड की जनता राजनीति में जिस मसीहा की तलाश कर रही है, उत्तराखंड जनता पार्टी वो मसीहा अपनी उत्तराखंड की जनता को देगी। एक शेर व शायरी के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, दोस्तों कश्ती ले चलो उधर जिधर तूफान आया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी अपने मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। डॉक्टर साहब, यहाँ आम आदमी जो परेशान है महंगी शिक्षा प्रणाली से है, बहुत महंगी शिक्षा, किसी भी स्कूल में आप चले जाइए आम आदमी की पहुंच से बाहर है। उस पर किताबों का बोझ, प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें, उसके बाद में फीस, उसे हर चीज़ ड्रेस हो या कुछ भी सामान उसे स्कूल से ख़रीदना पड़ता है, उसकी मजबूरी बन गई। अगर कोई स्कूल से ना ले तो वो पढ़ नहीं पाता। तो आम आदमी का दर्द है कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं है, शिक्षा माफिया बहुत बुरी तरीके से हावी है। तो आम आदमी किस तरीके से बेहतर और अच्छी शिक्षा ले पाए? देखिए, सबसे पहले ये वर्तमान सरकार के या पूर्व सरकार के कुछ सांसद, कुछ विधायक, कुछ मंत्री तक ऐसे हैं जिनके खुद अपने स्कूल हैं, इन्होंने खुद शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है। आम आदमी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी शिक्षा पाकर के कामयाब होना चाहता है। आज लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई में खर्च होते हैं, गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा खर्च कर पाएगा? मैं आपको बता दूं, वर्तमान में कोरोना काल में कितने अभिभावक इस बात को लेकर के लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि जो है हमारी कोरोना काल में फीस को माफ किया जाए। जब बच्चा स्कूल में नहीं जा पा रहा है तो कम से कम हमसे फीस ना ली जाए, ली जाए तो कम ली जाए। लेकिन सरकार ने एक भी बार उन अभिभावकों की बात को नहीं माना है। अगर कोई स्कूल वाला इतने साल से स्कूल चला रहा है, वो अपने टीचरों को 50% पेमेंट दे रहा है, तो क्या बच्चों को भी 50% फीस देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? आखिर ये सरकार चाहती क्या है?
ये सरकार चाहती है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो, ताकि इनके जो धन्ना सेठ है वो लगातार फले फूलते रहें। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड जनता पार्टी की जो सरकार होगी वो सारे स्कूलों का जो फीस होगी वो मिनिमम से मिनिमम करेगी, सरकारी स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाएगी और हर उत्तराखंडी, हर गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, इसके लिए जो सुविधा उनको देनी पड़ेगी उत्तराखंड जनता पार्टी की सरकार देगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत दिया। तो ये थे उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चौहान, जिन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ी उन बातों को बहुत मजबूती से रखा जिसका सीधा ताल्लुक हर आम आदमी के घर से है, यानी कि शिक्षा। यानी कि शिक्षा माफियाओं ने कोरोना काल में जिस तरीके से आम आदमी का शोषण किया है या कर रहे हैं, उसे डॉक्टर चौहान ने बड़ी मजबूती के साथ उठाया है। यानी कि जितनी टोटल फीस होती थी, उस टोटल फीस को उन लोगों ने ट्यूशन फीस का नाम दे दिया। यानी कि आम तौर पर अगर 5,000 फीस है तो 2,500 ट्यूशन फीस होती थी, लेकिन इन लोगों ने पूरी की पूरी फीस को 5,000 को ही ट्यूशन फीस का नाम देकर आम आदमी का जैसे शोषण किया है या कर रहे हैं, उसे डॉक्टर चौहान ने एक अपराध की श्रेणी में रखा है कि सरकार ने न केवल इन स्कूल वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, न ही कोई नीति बनाई है जो उत्तराखंड जनता पार्टी के एजेंडे में होगी। आम आदमी से डॉक्टर चौहान ने वादा किया है कि अगर उत्तराखंड जनता पार्टी किसी भी तरीके से, अगर आपके समर्थन से, आपके सहयोग से सत्ता में आती है, तो आम आदमी को यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम और कम से कम फीस के साथ बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगी, रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएंगे और तमाम लोगों पे भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए इनके पास जो ठोस योजनाएं हैं वो आप लोगों ने खुद सुनी। फिलहाल हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड जनता पार्टी अपने एक मजबूत विज़न को लेकर लोगों के बीच आ रही है। अब आप इनके विज़न को कितना समझते हैं, कितना सहयोग देते हैं, कितना समर्थन होता है, ये तो चुनावी परिणाम बताएंगे। लेकिन ये सच है कि उत्तराखंड में शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ उसकी सीधी चोट आम आदमी पर पड़ रही है और इसका ताल्लुक सीधे तौर पर रोज़गार से है और बेरोज़गारों की भीड़ ऐसे ही नहीं बढ़ती है। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।